चुनाव समाप्त हो चुके हैं, इसको लेकर अब नेता भी फ्री हो गए हैं। वो इसी तारतम्य में कल प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिराज सिंधिया से मिलने के बाद ग्वालियर पहुंचे और यहां पर उन्होंने सबसे पहले हजीरा अस्पताल और प्रसूति गृह में जाकर लोगों का हालचाल जाना। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर से महेंद्र सिंह ठाकुर। लोकिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, नई दिल्ली में केंद्रीय ज्योतिराज सिंधिया से मिलकर ग्वालियर लौटे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रात 12:30 पर बिरला नगर स्थित प्रसूति गृह और हजीरा के सिविल अस्पताल पहुंचकर सर्दी के मौसम में मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों को सर्दी के इस मौसम में हीटर और कंबल आदि की व्यवस्था मरीजों के लिए करने के निर्देश दिए। अस्पताल से घर पहुंचने के बजाय वह विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 में पहुंचकर यहां उन्होंने दहेली घास मंडी और मेवाती मोहल्ले में रात के दरवाजे खटखटाकर क्षेत्र के लोगों से पीने के पानी की व्यवस्था की जायजा लिया। घास मंडी इलाके में उन्होंने आला के बीच लोगों से बातचीत। अब अगर हाथ का फ्रैक्चर हो गया है तो ऑपरेशन कहीं बाहर नहीं, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में होगा। ये बड़ा गर्व का विषय है। संतुष्ट हो हॉस्पिटल से आप? ये हम कहीं और नहीं खड़े, ये सिविल अस्पताल हजीरा में खड़े हुए हैं। रात्रि 1:30 बज रहा है और इमरजेंसी में डॉक्टर उपलब्ध है। बच्चों का PICU चालू है। ये सब आपका ये एक एक रुपया जो कर्ज के रूप में आपने दिया था, उसका ब्याज के रूप में ये अस्पताल यहाँ पे खड़ा हुआ है। आप सबको पुनः अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।